गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। आज हम देखेंगे क्लास एट का विषय संस्कृत का पेपर, जो आपका एयरलाइन आकलन के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन दिया है ये सब एयरलाइन आकलन में आ सकता है। 22 अप्रैल का जो पेपर होगा उसमें ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए, ध्यान से लोग देखो, तभी आपका ए प्लस ग्रेड आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए जो पहला प्रश्न है ये खाली स्थान वाला है। दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। पहला जो क्वेश्चन है खाली स्थान वाला है, देखिए दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। ये जो शब्द दिया है लभते, नवरत्नसु, लोभा, अनन्या, परमम, तो इसको आपको इस जो खाली स्थान दिया है इसमें आपको भरना है जो सही है उसके हिसाब से। प्रश्न दो देखिए, ये है आपका सही जोड़ी वाला। इधर देखिए यहाँ पर इसको आपको सही को लिखना है। ये जो उत्तर दिया है यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कालिदास से जन्मभूमि, तो कालिदास का जन्मभूमि कौन सा है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न तीन देखिए, निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसका देखिए प्रश्न चार, निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी दिया है कालिदासा, महामूर्ख, आसिता, इस प्रकार आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है, उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। प्रश्न पाँच देखिए, निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। ये जो श्लोक दिया है इसका आपको अर्थ लिखना है, अहिम नृपम, इस ये वाला। प्रश्न छः देखिए, निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए, इसका भी दिया है देखिए, जननी, जन्मभूमिश्च, इसका आपको अर्थ लिखना है। प्रश्न सात देखिए, निम्न प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। आपको संस्कृत भाषा में इसका उत्तर आपको लिखना है, जैसे विद्यार्थी, कति दोषा त्याज्या, वृक्षा संभात भैया, किम यछंती, इसको आपको क्या लिखना है संस्कृत भाषा में उसका उत्तर लिखना है। इधर आगे भी दिया है ये देखिए, ये सब का आपको संस्कृत भाषा में इसका आंसर लिखना है। प्रश्न आठ देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। एक श्लोक लिखना है आपको। प्रश्न नौ देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई तीन सूक्ति लिखिए। तीन सूक्ति लिखना है आपको। प्रश्न दस देखिए, संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। इसका संधि विच्छेद करके आपको नाम लिखना है। प्रश्न ग्यारह में देखिए, विद्यार्थी शब्द लिखना है आपको, यानी विलोम शब्द, दीनम, नरा। प्रश्न बारह देखिए, अपने विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र संस्कृत में लिखिए। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है प्राचार्य को अवकाश के लिए। ठीक है बच्चों, प्राचार्य यानी यहाँ पर प्रधान पाठक होगा ना आठवीं वालों के लिए, यहाँ पर आपको अवकाश लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सिर्फ यही सब क्वेश्चन के भरोसे आप लोग मत रहिए, आप लोग अपने से भी तैयारी कीजिए, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करके जाइए अपने बुक के हिसाब से, तो आपका बिल्कुल ए प्लस ग्रेड आएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए।